ये किताब है शरह सुनन तिरमिज़ी सईद अहमद पालनपुरी साहब की। यहाँ पर वो हदीस अमार लेकर आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमार तुम्हें बागी जमात कत्ल करेगी। इस बारे में वो कहते हैं कि अमार माविया के लोगों के हाथ से कत्ल किए गए। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हक़ पर होने की दलील है। इतनी वाज़े दलील आने पर भी माविया अपने मौक़िफ़ पर क्यों जमे रहे? इस बात का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि इख्तलाफ में दिमाग सही काम नहीं करता। आदमी अपने अमल की कोई ना कोई तावील कर ही देता है, चाहे वो कितनी ही लचर क्यों ना हो। जैसे मुनकरीन इस्लाम की समझ में इस्लाम की हकानियत नहीं आती, वो शिर्क की तावीलें करते हैं। इसी तरह जब माविया को बताया गया कि अमार हमारी फौज के हाथों मारे जा चुके हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है, तो माविया ने तावील की, हमने अमार को नहीं मारा, अली ने मारा है, वही उनको अपने साथ लाए हैं, इसलिए वही उनके कत्ल के जिम्मेदार हैं।